जहां एक ओर संयुक्त व्यापार मंडल ने आज अधिकारियों के साथ बैठक करके अपने बंद को स्थगित किया है, वहीं दूसरी ओर सर्व संगठन सेवा संस्थान ने संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा उठाए गए मुद्दों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। संगठन का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रोज ही लूट तथा चोरी इत्यादि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस अवसर पर संयोजक अधिवक्ता मेहुल जैन ने बताया कि शहर की गंदगी का मुख्य मुद्दा शहर से कूड़ा न उठने के कारण खड़ा हुआ है। कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुचारू नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और कई कई दिनों तक कूड़ा उठाया नहीं जा रहा। शहर को सबसे पहले 10 डंपिंग स्थानों की बेहद अधिक आवश्यकता है। मुख्य संयोजक सुरेश काबरा ने कहा कि संगठन यह मानता है कि शहर की सफाई व्यवस्था खराब है, जिसका मुख्य कारण JBM कंपनी का ठीक से काम करना नहीं है। संगठन के सरपरस्त हरिओम तायल ने सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी कि अब अगर इस तरह से काम किया गया तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। संगठन अगर सरकार व प्रशासन के साथ मिलकर काम करना जानता है तो वह विरोध करना भी जानता है। ये सारी समस्याएं जो है हमारे दो दो तीन तीन ML जो बिल्कुल ठीक ठाक से थे उनको भी उन्होंने छेड़ करके उसके अंदर जो हटा दी, ग्रिल हटा दी और हटा दी, क्या जरूरत थी? पहले सड़क बनती, अब ये मितुले का माल की जो है ना सड़क बननी थी, अब एक ही सड़क है, एक साइड में कितना ट्रैफिक चल सकता है दोनों साइड का, और फिर उसमें ट्रक भी पार्क होते हैं। तो ये समस्याएं जो हैं ये इसको वो देखते क्यों नहीं हमको समझ पाती जब हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी को क्यों नहीं देख रहे। अब ये समस्या हमारे इसमें कितना उससे ज़्यादा बेसक हो गई हो, लेकिन ये जितना पैसा भी इन्होंने खर्च कर दिया इस कंपनी पर उससे तो तिहाई का भी नहीं था उस टाइम, जिसको हम कहते थे ये अनुसारी ये कर रहा होता था, ये तो इतना बड़ा अनुसारी आया जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये हम जो है ना अभी प्रशासन से बार बार जो कह भी रहे हैं और आगे अब हम घेराव भी करने आ जाएंगे, मतलब अगर ऐसा ही हुआ। देखिए ये जो आज ये बैठक रखी गई है इसका स्पेशल मूल रूप जो है कि सफाई व्यवस्था को ठीक करना है, और ये हर साल होता है, पता नहीं क्या बीमारी है कि दिवाली देखते ही जो है सारे सारे जो है वो बिखरने लग जाते हैं, सफाई व्यवस्था इतनी चरमरा जाती है सारी सारी। और ये एक अगर जड़ तक हम पहुँचे ना तो मूलतः रहता क्या है कि सभी घरों के अंदर सफाई होनी स्टार्ट हो जाती है इसमें, और इस समय अड़ंगा भी ज़्यादा निकलता है घरों से। लेकिन इस समय जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी व्यवस्था जो है पूरी पूरी बिगड़ जाती है व्यवस्था। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बना के रखें, और कमिश्नर से भी एक अनुरोध है कि टीम को मेन पावर को ज़्यादा रख के ट्रॉलियों की ज़्यादा व्यवस्था करके उठान को जो है उसके ऊपर पूरा फोकस किया जाए। अगर उठान अगर सही तरीके से हो जाएगा तो ये समस्या जो है काफ़ी हद तक वो ख़त्म की जा सकती है। कर्मचारी 200 हटा भी दिए गए हैं जबकि लगाने चाहिए थे हटा भी दिए गए। देखिए वो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है वो पानीपत को अगर हम देखें तो करीबन 7,21,000 के आसपास जो है वो जनसंख्या है, लेकिन वो रिकॉर्ड के हिसाब से है। अगर एक्चुअल में देखा जाए यहाँ पे यूपी के, बिहार के और काफ़ी स्टेटों के यहाँ पे लोग रहने लग रहे हैं तो तकरीबन 10,00,000 से ज़्यादा की है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं समझने की कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है वो, अगर उन चीज़ों को अगर समझा जाएगा तो उसके हिसाब से कर्मचारी बढ़ने चाहिए, ना कि कम होने चाहिए कर्मचारी। तो आगे क्या निर्णय रहेगा आपकी बैठक? देखिए निर्णय यही है कि या तो इसको सख्ती से लिया जाए, बार बार जो है बाजार भी और सारी संस्थाएं भी जो है वो पूरा पूरा अनुरोध कर रही हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हैं बार बार कि इसको फटाफट किसी तरीके से भी ये सफाई की जाए, क्योंकि आगे जो है वो डेंगू का भी सीजन आने लग रहा है और काफ़ी लोग जो है ये महामारी की बीमारी है। तो किसी तरीके से भी व्यवस्था बनाने के लिए कर्मचारी को बढ़ाया जाए, ट्रॉलियों को बढ़ाया जाए, और जो रिक्शा है जैसे बाजारों के अंदर इतनी ट्रॉलियाँ नहीं जा सकती तो उसके लिए रिक्शा जो है वो बढ़ाई जाए किसी तरीके से, तभी ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है। दूसरी चीज़ हमारे जैसे पॉलीथीन का था, पॉलीथीन में हम समर्थन करते हैं, पॉलीथीन और जो थर्माकोल की सीट है उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक सजेशन है मेरा कि और हम पूरा संगठन भी ये चाहता है कि वो जो मार है जो बनाने वाला है जो मैन्युफैक्चरर जो है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। अगर उस पर रोक लगाई जाए कि जो छोटे जो रेहड़ी वाले हैं या किराने वाली दुकानें हैं वहाँ पर पॉलीथीन अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, या जो ट्रेडर है ट्रेडर को बंद किया जाए। क्या नाम आपका? ललित गोयल, सर्व संगठन सेवा संस्थान। सेवा संगठन 3 साल पहले पानीपत में कुछ समस्याओं को लेकर, सफाई की समस्याओं को लेकर 200 संस्थाओं को मिलकर ये सर्व सेवा संगठन बना था, और इसका मेन ये था कि जनता को तन मन धन से हम लोग सेवा करेंगे, जो और संस्थाओं के रूप में हम कर रहे हैं पहले भी। तो हम सर्व सेवा संगठन के थ्रू जो यहाँ पानीपत की बीमारियाँ हैं, दिन प्रतिदिन ये कचरा कूड़ा और बढ़ता चला जा रहा है, उठान ललित जी भाई ने कहा उठान,
उठान नहीं होता। बड़ी बड़ी कॉलोनिया में करोड़ों रुपए के मकान हैं, टैक्स लिए जाते हैं, हम इतना टैक्स देते हैं मगर कोई भी जगह डस्टबिन तक नहीं है और कहीं भी वो कचरा सारा नालियों में फंस जाता है जिससे सारा पानी बाहर आता है और हर साल जनता को बीमारियों के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है और जान माल हानि का नुकसान भी होता है जनता का। डेंगू किसी का मुंह देख के नहीं आएगा कि किसी को डेंगू होगा, ये कर्मचारियों को भी और सरकारी अफसर किसी को भी कोई भी बीमारी लग सकती है। तो हम यही हमेशा ही हम काफ़ी टाइम से हम महीने दो महीने में हर बार मीटिंग करते हैं और हम जनता को जाके हमने बताया भी है, अगर 24 वार्ड है 24 वार्डों में हमने जाके बताया है कि कूड़ा कर गीला अलग कूड़ा करो सूखा अलग करो, जनता कर रही है मगर फिर भी कुछ ना कुछ बाहर फेंकने के लिए, जैसे यहाँ औद्योगिक नगरी माना जाता है, कितने लाखों करोड़ों रुपए हम टैक्स देते हैं और टैक्स देने के बाद और हमारे ऊपर 10 लाख अगर जनता होते हुए और हमारे ऊपर कर्मचारी ही नहीं है जो कि हमारे कूड़ा करकट को उठाया जाए तो कहाँ जाएगा कूड़ा। तो ये पानीपत तो बिल्कुल ही बीमारियों से घिरा चला जा रहा है, सालों साल दिन प्रतिदिन ये और गलत काम होता चला जा रहा है। अगर इसमें प्रशासन और सरकार इसको नहीं देखेगी तो हम खुल के पूरी जनता उनके खिलाफ घेराव भी कर सकते हैं हम प्रशासन का और बिल्कुल खिलाफ आएंगे। जैसे अब डीसी मैम ने पॉलीथीन का लिए बंद किया है तो अच्छा है, वो सारी रोक लगती है, नालियां बंद होती हैं तो हम कहते हैं मैन्युफैक्चर को और जो भी जो होलसेलर है उनको रोका जाए और उनसे बंद किया, ये नहीं कि एक छोटे छोटे गरीब आदमी को पकड़ा जाए। अगर धीरे धीरे उन्हें पता लगेगा पीछे से माल ही नहीं आएगा तो यहाँ बिकेगा कैसे। जैसे सेल टैक्स वाले अफसरों को भी कहा है वो भी सहयोग दें, सारी जनता तो उनके साथ ही है क्योंकि जनता नहीं चाहेगी कि कभी भी कोई बीमार हो। तो हम सर्व सेवा संगठन की ओर से सब यही कहते हैं कि जैसे संयुक्त व्यापार मंडल ने भी 50 बाजारों के प्रधानों ने भी यही चीज़ कही ना कि दिक्कत आ रही है तभी तो सब आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि जो आवाज़ उठी है उसको उसके प्रकार में जो खर्चा है सफाई अभियान में किया जाए। और ये सड़कें जैसे मित्तल मेगा माल के पास सड़क है, आज 2 साल हो गए हैं वो सड़क टूटी हुई है और बिल्कुल बनी नहीं है और दूसरी सड़क सारा ट्रैफिक जाम रहता है, तो इन समस्याओं को मूल दिन से ध्यान दिया जाए। और सर्व सेवा संगठन आज सर्व संगठन सेवा संस्थान ने स्थानीय पाइट स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमने संयुक्त व्यापार मंडल के जो मुद्दे हैं जो उन्होंने बातें उठाई हैं उसका समर्थन किया है, शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई भी है इसका समर्थन किया है, पूर्ण रूप से समर्थन किया है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इसका समर्थन किया है। दूसरी बात, हमने जो यहाँ से मांग रखी है वो ये मांग रखी है कि शहर को 4 जोन में बांट दिया जाए, 4 जोन में बांटकर अलग अलग जोन का अलग अलग ठेका दे दिया जाए और शहर की सबसे बड़ी समस्या, अभी सफाई की व्यवस्था को हम साइड में रखते हैं, सबसे बड़ी समस्या कूड़ा उठान की। हमारे शहर से कूड़ा नहीं उठ रहा है, ये हम 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा ना उठना। अगर कूड़ा उठ जाएगा तो शहरवासी इतने सक्षम है कि वो अपनी कॉलोनी में सफाई करा सकते हैं, मगर दिक्कत क्या है, जो वो कूड़ा कॉलोनी के कोने पे पहुंच रहा है, उस कॉलोनी के कोने तक ढेर लग रहा है, वो कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो इस बात का हम मांग रखते हैं, पुरजोर मांग रखते हैं स्थानीय विधायक से और जो इलेक्शन लड़ने वाले एमसी चेहरे हैं वो भी सुन ले ध्यान से इस बात को कि खाली इलेक्शन में पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा, अभी आपके पास जितना भी समय है कम से कम पूरे शहर का इसमें समर्थन करें, अपने वार्ड का समर्थन करें, आप लोग कुछ ऐसा कर जाएं कि शहर का जो कूड़ा है वो उठने लग जाए। और हम पूरे, मैं तो यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से ये पूरे सीएम साहब तक भी ये बात कहना चाहूँगा कि पानीपत इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा रेवेन्यू देने वाला शहर, उसकी इतने दुर्भाग्य है कि हमारे शहर में जब कोई नगर यात्रा निकलती है, नगर कीर्तन निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है तो वो भी कूड़े के ढेर में निकलती है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे शहर का है। और सर्व संगठन सेवा संस्थान खुले रूप से यहाँ से चेतावनी दे रहा है कि अगर जल्द ही कूड़े की समस्या, गंदगी की समस्या शहर से हल नहीं होती तो हम तैयार हैं, अब हम घेराव भी करना जानते हैं, हम सड़क जाम भी करना जानते हैं और 200 संगठन अगर देवी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हो सकते हैं, अगर जब वो सड़क पर इकट्ठे होंगे तो फिर मत सोचिएगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार सरकार होगी, सरकार में बैठे हुए नेता होंगे और प्रशासनिक अधिकारी होंगे। और हम बार बार पुनः पुनः निवेदन कर रहे हैं कि थर्माकोल और जो प्लास्टिक को बैन किया है, प्लास्टिक बैग को बैन किया है, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, मगर हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े होलसेलर्स, बड़ी दुकानें और उनको सबसे पहले बैन कर देना चाहिए ताकि वो माल छोटी दुकानदार तक ना पहुंचे और छोटी रेड़ी वाले को चेतावनी देकर या उसको एक बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसा सौहार्द बने कि गरीब को नुकसान ना हो, ये हमारे कहने का मकसद है।
ये अपनी मांगों को लेकर आप प्रशासन को बहुत बार समय दे चुके, हम प्रशासन को बहुत बार कह चुके, अब हम अपने नजरिए से एक बार वॉच करेंगे, हम देख रहे हैं, स्थितियां देख रहे हैं, हमारी जैसी रणनीति बनेगी हम तुरंत आपको फिर से मीडिया के सामने आएंगे और हम अपनी रणनीति आपके समक्ष रखेंगे। मगर हाँ, ये आपको सुनिश्चित करते हैं कि अगर सर्व संगठन सेवा संस्थान ये बात कह रहा है तो समझ लीजिएगा इसमें बहुत बड़ी बात है, कुछ बड़ा ही होगा, कुछ गलत खिलाफ में विरोध बहुत बड़ा ही होगा, छोटा विरोध नहीं होगा। इसलिए हम तो सिर्फ ये चेता रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि सरकार, सरकारी तंत्र और नेता सुधर जाएं। हम सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, बच्चा आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, मच्छर शक्ल देख के नहीं काटता, मैं पुनः बोल रहा हूँ, मच्छर शक्ल देख के नहीं काटता। अगर कोई बीमार होता है वो सबका है, पानीपत का बच्चा है, तो गंदगी हाथ जोड़ के विनती है कि गंदगी के मुद्दे पर सरकार व प्रशासनिक अधिकारी चेतें और गंदगी से, पानीपत को गंदगी से मुक्ति देना।